नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों लगातार ट्रेड से रिलेटेड वीडियो, इसके अलावा और भी जो भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो सारी हम आपको लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं IPL 2023 के रिगार्डिंग। और एक भी अपडेट जो है वो हम छोड़ नहीं रहे हैं। इससे पहले जो भी ट्रेड हुए हैं ऑफिशियली और जो ट्रेड कैंसिल हुए हैं उसके बारे में वीडियो हमने प्रोवाइड करवा दी है। और इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे तीन प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना नाम IPL 2023 से वापस ले लिया। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं तीनों के तीनों। अब दोस्तों कौन से प्लेयर है, किस टीम से खेलते थे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पर आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सबसे पहले मिलती है। और इस चीज़ की जो न्यूज़ है वो भी हमने आप वहां पर ऑलरेडी डाल दी है, तो अगर आप वहां पर ज्वाइन होंगे तो वहां पर आपको पहले ही पता चल चुका होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों IPL 2023 के शुरू होने में अभी टाइम है, इसकी स्टार्टिंग डेट को लेकर भी हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी बड़ी चीज़ ये है कि 15 नवंबर को जो है वो लास्ट डे है, 5 बजे तक जो सभी टीमें उनको अपनी रिलीज प्लेयर्स की और रिटेंशन प्लेयर्स की लिस्ट सबमिट करनी है। और उसके बाद में ऑक्शन की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी कि किस प्लेयर को खरीदना है और किस प्लेयर को नहीं खरीदना है। यहाँ पर दोस्तों तीन ऐसे नाम हमारे सामने आए हैं जो कि काफ़ी बड़े नाम हैं, और जिसमें दो नाम ऑस्ट्रेलिया से हैं और एक नाम जो है वो इंग्लैंड से है। और दोस्तों तीनों ही काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं और इन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया दोस्तों। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है पैट कमिंस का दोस्तों, KKR के इस तरफ से 2 साल ये खेल चुके हैं। काफ़ी महंगा खरीदा था KKR ने इनको, लेकिन IPL जो है वो कमिंस को सूट नहीं किया, तो इसी वजह से यहाँ पर कमिंस ने IPL 2023 से बाहर रहने का फैसला लिया है। और यहाँ पर इसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया कि मैं टेस्ट क्रिकेट पर अब थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। इसके बाद दूसरा नाम है मिचेल स्टार्क का। दोस्तों मिचेल स्टार्क भी IPL 2023 में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने भी मना कर दिया है कि मैं IPL 2023 का रिटेंशन फॉर्म, IPL 2023 का जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो नहीं भरूंगा, और जो वर्ल्ड कप आने वाला है 50 ओवर वर्ल्ड कप उसके ऊपर ध्यान दूंगा। और जो तीसरा प्लेयर है वो दोस्तों उसकी हाल फिलहाल में आज ही अपडेट आई है, वो है दोस्तों सैम बिलिंग्स। दोस्तों KKR की तरफ से खेलते हैं, KKR ने इनको रिलीज़ कर दिया और इन्होंने भी IPL 2023 से अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। और इन्होंने भी लॉन्ग फॉर्मेट का रीज़न देते हुए अपना नाम जो है वो वापस लिया है। तो दोस्तों ये तीन प्लेयर हैं जिन्होंने IPL 2023 से अपना नाम वापस ले लिया और IPL 2023 में ये दिखाई नहीं देंगे। और दोस्तों ICC इवेंट्स को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बजाय IPL के, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और यार तभी तो मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इतनी अच्छी टीमें हैं, तभी उन्होंने मतलब वर्ल्ड कप जीता है। और यहाँ पर दोस्तों इंडियन प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हालत में वो IPL खेल सकते हैं, तो लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों की जो प्रायोरिटी है वो IPL है, ना कि ICC इवेंट्स। और शायद इसीलिए हम जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो नहीं जीते, इतना लंबा इंतज़ार हो गया और सेमीफाइनल में आकर हम हार गए। तो खैर इस मामले में आपकी क्या राय है इंडियन प्लेयर्स को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।